पर इतना मेरे को डर लगा ना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देखे थे मैंने यूट्यूब पे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अश्विन कोबरागड़े एंड यू आर वॉचिंग अननोन क्रिएटर। तो ड्यू टू COVID-19 हम बाहर नहीं जा सकते, तो फिर भी मैं आपके लिए जस्ट एक छोटा सा व्लॉग करना चाहूँगा, जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि बाहर की सिचुएशन अभी क्या है। आई नो हमें घर पर रहना चाहिए, पर फिर भी एक व्लॉग तो बनता है यार। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आई डोंट नो कि क्या किया जाता है, सो लेट्स बिगिन। फटाक से कैमरा हम एडजस्ट कर लेंगे, और अभी रात नहीं बोल सकते पर शाम हो गई है और कैमरा हो गया एडजस्ट और हम चलते हैं। Sink down and emotions feel like I never did before. Life shows in the spoken real, I saw the movie I ignored. Blue skies on a broken sea and I'm stuck up on the shore. I never thought you could see me, but you did. All I know is we're here, that they took us somewhere. So what they say we're called is falling out of line. They don't know the two of us are colorblind, yeah. आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। आई नो कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी मैं गया क्योंकि मुझे आपको सिचुएशन दिखानी थी कि बाहर कैसी सिचुएशन है। सो आप लोग घर पे ही रहिए और मैं ऐसा दूसरा व्लॉग नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा मतलब हर एक सिग्नल पे पुलिस वाले थे, मतलब ऐसे नाकाबंदी टाइप। और मेरे आगे दो तीन बाइक वाले गए, उनको पकड़ लिया, मैं साइकिल पर था इसलिए मेरे को छोड़ दिया शायद। सो आई होप आपको यह अच्छा लगा हो। और बीच में कुछ कुछ पार्ट्स में ऐसा पूरा ब्लैक हो गया था, मार्केट्स वगैरह पूरे बंद हुए, और सॉरी फॉर दैट कि आपको अगर कुछ प्रॉपरली विजिबल नहीं हुआ तो। और थक गया यार बहुत, मतलब सीरियसली एक डेढ़ महीने बाद साइकिल चलाने गया, इसके पहले भी पेपर्स थे तो मुझे कुछ बहुत स्टैमिना मेरा मर गया है तो जाने नहीं मिला। तो बाय द वे ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, जैसे मैं दो तीन बार बोल चुका हूँ, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा। और एक बात है कि इसके पहले ना मैंने एक वीडियो शूट किया था, मतलब ऐसे फन वीडियो टाइप, तो उसमें भी मैंने बोला है कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो यार उसको इग्नोर कर देना प्लीज़। एक्चुअली वो फन वीडियो है, फर्स्ट फन वीडियो है, तो इस पर ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, ब्लॉग्स आएंगे, फन वीडियोज आएंगे, अनबॉक्सिंग, रोस्टिंग अभी नहीं आएगा पर बाद में आएगा, फैक्ट वीडियोज भी बहुत सारे आएंगे। और पहला एक्सपीरियंस था व्लॉग का तो मजा आया, पर मैं से डर डर के जा रहा था कि भाई मारते मेरे को अभी, पर बच गया मैं। और बाय द वे मैं अकेला नहीं गया, क्यों मेरे साथ पापा भी थे पर पापा थोड़ा पहले निकल गए थे। और मैंने हेलमेट इसीलिए नहीं पहना क्योंकि अगर मैं पहनता तो पुलिस वालों को लगता कि ये मज़े के लिए घूम रहे, पर मैं जैसे कि मैंने बोला मैं मज़े के लिए नहीं बहुत डर में घूम रहा था। तो क्या बोलूँ यार, हाँ तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब ठोक देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। क्या मुझे क्या तो हाँ व्लॉग्स जैसे आते रहेंगे और साइकिलिंग व्लॉग्स आते रहेंगे। अभी कैसा थोड़ा अच्छा यार तो ठीक है, थैंक्स बाय।
और हाँ गाइस, बीच बीच में जो थोड़ा ब्लर हो गया था, मैं भूल गया था कि जब मैं फन वीडियो शूट कर रहा था मैंने उसको शूटिंग मोड पे डाल दिया था, स्पेसिफिकली नाइट मोड पे मैं डालना अभी जस्ट भूल गया, तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्लर या मतलब क्वालिटी सिर्फ बेकार थी। यार फिलहाल मेरे पास कुछ भी गोप्रो वाले कुछ भी नहीं है, मैं नॉर्मल कैमरा से वो ट्राइपॉड में लगा के वो साइकिल को ऐसे पकड़ के चला रहा था। ठीक है ना यार, अभी साइटिंग है, फिर अगर मैं इसमें आगे चला गया तो ऑफकोर्स लूँगा, पर देखते फिलहाल यार थोड़ा एडजस्ट कर लो, आगे हम बिल्कुल लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा बीच बीच में थोड़ा ब्लर हो गया, फिर स्टार्टिंग में मैं कैमरा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, फिर बैठते वक्त थोड़ा ब्लैक मतलब अंधेरा था वैसे तो, ब्लैकआउट हो गया था। देखो मैं जब निकला था तब बजे थे 7:30 और अभी 7:45 हो गया, तो मैं 15 मिनट में घूम के आया, पर इतना मेरे को डर लगा ना क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देखे थे मैंने यूट्यूब पे जिसमें मार रहे मस्त रहे, तो बहुत डर लगा मेरे को। सो यार बस बीच में मैं वापस आ गया ऐसी ज़्यादा, ठीक है ना। तो यार नए वीडियोस लेके मैं वापस आऊँगा, तो यार तब तक के लिए हाँ, बाय द वे ये वीडियो जो था ये नागपुर महाराष्ट्र का है, न्यू से बिहार लेआउट, मतलब मैं जिन भी रास्तों पे गया ना सब हाईवे से हमेशा 24/7 रश रहता है वहाँ पर, ट्रक्स वगैरह चलते ही रहते हैं, तो एकदम वो रास्ते खाली, मैं आड़ा गाड़ा साइकिल चला रहा, पीछे से भी हॉर्न दे रहा, कोई बोल रहे कि बेटा ढंग से चलाओ, पापा बोल रहे कि ऐसे चला था क्या तू अकेला जाता, तो अभी यार ठीक है चल सर, तो रास्ता खाली था ना। और हाँ प्लीज़ आप घर घर से बाहर मत निकलिए, स्टे सेफ।